नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। हर घर तिरंगा फहराने, लोगों को किया जागरूक, कलेक्टर एसपी हुए तिरंगा यात्रा में शामिल। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जागरूकता तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जो स्थानीय विवेकानंद पार्क में कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत बशीन एवं निगम आयुक्त मृणाल मीणा के नेतृत्व में तिरंगा रैली आरंभ हुई। इस अवसर पर विभिन्न विभाग के अधिकारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने तिरंगा रैली में अपनी सहभागिता निभाई तथा तिरंगा यात्रा विवेकानंद पार्क से शुरू होकर कॉलेज चौराहा, सिरपी प्लाजा होते हुए हॉस्पिटल कैंपस के पास समाप्त हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय जनों ने भी अपनी सहभागिता निभाई। आपको बता दें कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। सभी लोग अपने घर में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराएं और लोगों को जागरूक करें। जो अभियान है, उस अभियान के अंतर्गत यहां पर आज रैली निकाली जाना है और कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देशन में सबसे पहले शासकीय लोगों के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करके और ये काम किया जाएगा। यहां से हम लोग प्रतीकात्मक रैली निकालेंगे। सुबह भी इसका कार्यक्रम हुआ था, उसी तरह की गाड़ियाँ, लोग और सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न निजी संस्थाओं के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि शासन के जो हर घर तिरंगा अभियान है, वो 75वीं वर्षगांठ है हमारी, उसको बेहतर ढंग से सेलिब्रेट करना और लोगों के मन में फिर से आज़ादी के प्रति जो हमारा भाव है उसको जागृत करना, बढ़ाना और राष्ट्रीय प्रतीकों, ध्वज के प्रति सम्मान को जागृत करना। रख रखाव में लापरवाही के चलते 20,000 मीट्रिक टन अनाज हुआ खराब। शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। बता दें कि रीवा के त्योथर जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुमा में स्थित बेयर हाउस से अनाज सड़ने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद मामले पर कलेक्टर के द्वारा तुरंत ही जाँच टीम का गठन कर उचित कार्रवाई की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि वेयर हाउस की मैनेजर की लापरवाही के चलते घुमा गांव में स्थित वेयर हाउस में उचित रख रखाव न होने के कारण 20,000 मैट्रिक टन अनाज खराब हो गया है, जिसमें गेहूं और धान शामिल है। दरअसल सरकार के द्वारा किसानों से अनाज खरीदा जाता है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन के द्वारा वेयर हाउस का सहारा लिया जाता है, परंतु वेयर हाउस में भी उचित रख रखाव न होने के चलते अनाज खराब हो जाते हैं। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के त्योथर जनपद पंचायत क्षेत्र से, जहां घुमा गांव में स्थित वेयर हाउस में मैनेजर की लापरवाही के चलते करीब 20,000 मैट्रिक टन अनाज खराब हो गया है और बदबू मारने लगा है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की और तब पता चला कि घुमा गांव में स्थित वेयर हाउस में 60,000 मैट्रिक टन अनाज रखने की व्यवस्था है, परंतु प्रशासन के द्वारा वहां पर अधिक मात्रा में अनाज का भंडारण कराया गया था, जिसकी वजह से यही रख रखाव ना होने के चलते 20,000 मीट्रिक टन अनाज खराब हो गया है। खराब हुए अनाज में पिछले सीजन में खरीदी गई गेहूं और धान दोनों की बराबर मात्रा है, जो बेयर हाउस के मैनेजर की लापरवाही के चलते सड़न मारने लगी। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही तुरंत रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने मामले पर जाँच टीम का गठन किया है। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की माने तो जाँच रिपोर्ट आने के बाद वह उचित कार्रवाई भी करेंगे। प्रस्तुत है अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। सूचना आई है कि घूमा हमारा वेयर हाउस है, वहाँ पे कुछ मात्रा में धान का खराब होने की सूचना है। वहाँ के एसडीएम साहब से भी इस संबंध में चर्चा की गई है, अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा गया है, फूड इंस्पेक्टर को यहाँ से निरीक्षण के लिए हम लोग भेज रहे हैं और इसके अनुसार जो जिम्मेदार लोग होंगे जिनकी वजह से ये खराबी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई, जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। हमारे कुछ वेयर हाउसेस ऐसे हैं जो सामान्य तौर पर मतलब निचली स्थानों पर या वो हैं और बारिश का मौसम भी है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आगे से इन ऐसे वेयर हाउस जिनमें थोड़ा सा इस तरह की स्थिति है या पुराने रिकॉर्ड्स उनके ठीक नहीं रहे हैं, ख़राब हुआ है, उनको बदलने का प्रयास भी। जब बेटे की मौत के बाद भी सीने से लगाकर घूमती रही मां, सरकारी तंत्र की बदइंतजामी ने ली जान। बेटे को अस्पताल ले जाने रात भर एम्बुलेंस का इंतजार करती रही मां,
सुबह जब अस्पताल पहुंची तो बच्चे की हो चुकी थी मौत। आपको बता दें कि रीवा में 1.5 साल के मासूम बच्चे की मौत ने सरकारी तंत्र के बद इंतजामी की पोल खोल कर रख दी है। यहां बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए एक माँ रात भर एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। सुबह बच्ची को लेकर उसे 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। किसी तरह से अस्पताल पहुंचने के बाद भी जब समुचित उपचार नहीं मिला तो वह जिले की प्रमुख अस्पताल पहुंची। लेकिन इन सब के बाद भी बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। हद तो तब हो गई जब ये माँ अपने मृत हो चुके बच्चे को वापस घर ले जाने के लिए उसे सीने से लगाकर घूमती रही। दरअसल दिल को झकझोर देने वाली ये घटना रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम गोदहा की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम गोदहा में रहने वाली पूनम साकेत के 1.5 वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ की शुक्रवार की रात तबीयत बिगड़ गई। बच्चे को बुखार और दस्त की शिकायत थी। मां ने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन गांव में मार्ग ना होने की वजह से एम्बुलेंस वहां नहीं आई और वह रात भर इंतजार करती रही। सुबह किसी तरह 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंची और वहां एम्बुलेंस मिलने के बाद सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। लेकिन यहां भी बच्चे को समुचित उपचार नहीं मिला और उसे रीवा ले जाने को कहा गया। सिरमौर से रीवा जाने के लिए भी महिला के पास कोई साधन नहीं था और ना ही एम्बुलेंस मिली। ऐसे में महिला ने 800 रुपये में एक ऑटो को बुक किया, जिसकी मदद से वह किसी तरह संजय गांधी अस्पताल तो लेकर पहुंची, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और चिकित्सकों ने प्राथमिक जाँच के दौरान ही उसे मृत घोषित कर दिया। हद तो तब हो गई जब महिला के पास घर जाने के लिए पैसे तक नहीं बचे। ऐसे में बेबस और लाचार माँ अपने मृत बच्चे को सीने से लगाकर घूमती रही। हालांकि बाद में उस महिला की कुछ लोगों ने मदद की और उसे वापस उसके गांव भिजवाया। गौरतलब है कि शासन और प्रशासन गांव-गांव सरकारी सुविधाओं को प्रदान करने का दावा करता है, लेकिन ये तमाम दावे इस बच्चे की मौत से झूठे और खोखले साबित हो गए। प्रस्तुत है मृतक की माँ से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या हो गया सर? हमारा बच्चा वो एक्सपायर हो गया है। रोड नहीं है थी एम्बुलेंस के कारण वेट करते करते बच्चा हमारा लाते लाते रास्ते ही में एक्सपायर हो गया है। बच्चे को क्या तकलीफ थी? कितने वो लेटिंग बस की था, 1.5 साल का था बच्चा हमारा। पूरी घटना बताएं, घर से क्या दिक्कत हुई? घर में कुछ नहीं दिक्कत थी, उसको रात में खिलाया पिलाया अच्छे से, यानी सुबह रात भर लेटरिंग किया है और कोई दिक्कत नहीं थी उसको, सिर्फ खाब दिया बस। अस्पताल पहुंचने में क्या परेशानी है? अस्पताल पहुंचाने में हमको एम्बुलेंस के यानी कमी पड़ गई थी, एम्बुलेंस नहीं आती हमारी, इधर रोड नहीं बनी है तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती। एम्बुलेंस फिर कैसे मिली? एम्बुलेंस बहुत दिक्कत में बनी है, सुबह आई है एम्बुलेंस, रात में नहीं आई है। सुबह घर तक नहीं गई थी, एगुआ तक गई है। कितनी दूर आपको जाना पड़ा? 1.5-2 किलोमीटर है एगुआ। फिर घर से कितने किलोमीटर कैसे आई? पैदल, उसमें से 2-व्हीलर से पैदल से आए हैं। फिर एम्बुलेंस से कहाँ ले गए बच्चे को? सिरमौर लेके गए हैं। इलाज हुआ? कुछ नहीं हुआ, वहाँ लिखा है डॉक्टर मिले हैं पर बोले वो के नहीं, यहाँ ले जाओ बाटल चढ़वा दो। तो हम बोले कि हमको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा वहाँ से रीवा के लिए, तो वो ऊपर से हमको डांट रहे थे कि बोले तू ज़्यादा उसे आ रहा, तू ले जा अपने बच्चे को। तो हम अपने से ऑटो बुकिंग करके लेके आए हैं। ऑटो किया? जी हाँ। कितना लगे ऑटो का? 800 रुपये। क्या नाम है आपका? पूनम साकेत। बच्चे का? सिद्धार्थ साकेत। बच्चे के पिता का? नागेंद्र साकेत। आदिवासी महिला सरपंच पति के साथ हुई मारपीट, समर्थकों के साथ पहुंची एसपी ऑफिस, कहा नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी तो देंगी इस्तीफा। बता दें कि चोरेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करैया ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक 1 की निर्विरोध चुनी गई महिला सरपंच के पति पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान इस कार्यालय के बाहर खड़े सरपंच के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। दरअसल बीते दिनों सरपंच पति और उनके दोस्त के साथ गांव के ही रहने वाले नशीली कप सिरप के तस्कर ने लाठी और डंडे से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए महिला सरपंच आज अपने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची थी। मामला रीवा के चोरेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करैया पंचायत वार्ड क्रमांक 1 का है। यहां पर निर्विरोध चुनी गई महिला सरपंच रेखा रावत के पति मुकेश रावत और उनके दोस्त लल्ली साकेत के साथ बीते दिनों मामूली बात को लेकर गांव के रहने वाले नशीली कप सिरप के तस्करों ने जमकर मारपीट की थी। मारपीट में सभी आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिससे आक्रोशित होकर सरपंच सैकड़ों समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।
बताया जा रहा है कि सरपंच पति का दोस्त लल्ली रावत गांव के ही एक खेत के पास खड़ा था, तभी नशीली कफ सिरप के तस्करों ने किसी बात को लेकर उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में घायल लल्ली साकेत ने महिला सरपंच पति मुकेश रावत को फोन किया और मामले की शिकायत करने थाने जा रहे थे, तभी आरोपियों का फोन आया और आपसी समझौते करने की बात कही गई। शिकायत किए बगैर दोनों वापस लौट आए और समझौता करने पूर्व सरपंच के कार्यालय पहुंच गए। तभी मोटरसाइकिल में सवार आधा दर्जन बदमाश वहां पहुंचे और लाठी डंडे से लल्ली साकेत और सरपंच पति मुकेश पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले पर मीडिया से बात करते हुए निर्विरोध चुनी गई महिला सरपंच रेखा रावत ने कहा कि नव निर्वाचित होने के बाद उन्हें भोपाल स्थित एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इसके बाद मंच में उपस्थित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने SC/ST सीट निर्विरोध चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने का भरोसा जताया था, लेकिन बीते दिनों उनके पति और दोस्त के साथ तस्करों ने जमकर मारपीट की, जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है और अपराधियों के द्वारा अब लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। सरपंच ने कहा कि शायद छोटी जाति होने के कारण हमें इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। SP ने आश्वासन दिया है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, अगर 3 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह इसकी शिकायत CM शिवराज से करेंगी, नहीं तो इस्तीफा देंगी। प्रस्तुत है आदिवासी महिला सरपंच तथा उनके पति मुकेश एवं एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। मुकेश रावत है, आज मैं ग्राम निवासी द्वारा चुने गए निर्विरोध सरपंच हूँ, जो कि आज इसकी सीट निकली है उनके अनुसार हमको निर्विरोध सरपंच चुना गया। इसके दौरान हमें भोपाल बुलाया गया, वहाँ बुला के हम मंच में CM सर बोले कि जो भी है यहाँ निर्विरोध सरपंच है, अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, ये जितने भी निर्विरोध चुने गए हैं SD सीट वाले, उनकी सुरक्षा, उनके गाँव का विकास मेरी जिम्मेदारी है। हमें विश्वास हुआ कि वहाँ हमको CM सर विश्वास दिलाए कि हमारी जिम्मेदारी, हमारी सुरक्षा। अब इसके अलावा हमारे जो जिम्मेदार लिए थे, आज हमको जिस सुरक्षा की जरूरत है वो भी नहीं है हमारे पास, शायद इसी की वजह से, क्योंकि वो धमकी भरे फोन आते हैं, कहते हैं कि कितने दिन जेल जाएंगे, 1 महीना 2 महीना रहेंगे, उसके बाद तो हम आएंगे बाहर, कहते हैं कि बाहर आके फिर मेरा काम तमाम हो जाएगा, कितने दिन। हम कहते हैं कि हमारी क्या गलती है, हम नीच जाति से है, ये हमारी मजबूरी है, छोटी जाति की SD है, SC है, हम लोग गरीब है, ये हमारी गलती है, आज गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये हमारी गलती है। SP साहब बोले हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार जाएंगे ऊपर तक, जहाँ तक CM सर की ये सूचना है ना, हम उनके यहाँ तक जाएंगे, ना सुनवाई होगी, हम इस्तीफा दे देंगे सीधे। उनके साथ एक मारपीट हुई थी जिसमें चौराहा में अपराध पंजीबद्ध है। उनका ये आरोप था कि बुच्ची जो उसका आरोपी है उसको अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, ये मांग थी। पुलिस की टीम रवाना है और जल्दी हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सर उनको कह रहे हैं कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। ये पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और बेहतर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे, ये उनका विषय है, वो जाने। मेरे विषय का जो था अरेस्टिंग, वो अरेस्टिंग हम लोग जल्दी उसको कर लेंगे। सर बताया जा रहा है कि आरोपी जो है नशीली कफ सिरप का तस्कर भी है, वो कह रहा है कि हम थाना प्रभारी को खरीद लेंगे। ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है, ये आएगा तो मैं आपको जानकारी दूंगा। बेहतर जीवन के लिए सही भोजन है बेहद जरूरी, कहा रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने। ईट टू राइट चैलेंज अंतर्गत वॉकथन का हुआ आयोजन, कलेक्टर मनोज पुष्प ने झंडी दिखाकर किया रवाना। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार ईट टू राइट चैलेंज कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने आज विवेकानंद पार्क में खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण विभाग द्वारा वॉकथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर मनोज पुष्प शामिल हुए। इस दौरान CMHO डॉक्टर NN मिश्रा एवं अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बता दें कि जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान, गौरव दिवस, ईट टू राइट कैंपेन, टूरिज्म प्रमोशन और अंकुर अभियान के प्रति लोगों को जागरूक कर उनकी सहभागिता के लिए लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में ईट टू राइट कैंपेन को लेकर शनिवार की सुबह कॉलेज चौराहा से मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ।
इस दौड़ में सैकड़ों युवा शामिल रहे। ये दौड़ कॉलेज चौराहे से होते हुए शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, जयस्तंभ सिविल लाइन होकर वापस कॉलेज चौराहे से विवेकानंद पार्क में संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन जीवन में बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईट टू राइट कैंपेन अंतर्गत विगत वर्ष रीवा जिले ने देश के टॉप 10 जिलों में अपना स्थान बनाया था और इस बार भी यही प्रयास जारी है। इस जागरूकता कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण विभाग द्वारा खाद्य सामग्री में मिलावट का पता लगाने वाले वाहन को भी रवाना किया गया है, जिसमें वह तुरंत खाने वाले सामान में मिलावट का पता लगा लेता है। ये वाहन लगातार जिले के कई क्षेत्रों में मिलावटी खाने की पहचान करेगा। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत रीवा जिले ने पिछले बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और देश के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में था। इस बार हम लोग फिर लगातार एफर्ट कर रहे हैं कि जितने भी मापदंड हैं ईट राइट चैलेंज के, उसके अंतर्गत रीवा जिले के फूड चेन को बेहतर करें। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को, विभिन्न प्रोड्यूसर्स को, प्रोसेसर को, इन सभी को हम लोगों ने इस अभियान से जोड़ा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी हम बहुत अच्छी केवल रैंकिंग ना लाएं, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें कि रीवा ज़िले में अनाज के उत्पादन से लेकर और उनको भोज्य पदार्थ बनाने और खाने तक एक ऐसा जनमानस तैयार किया जाए कि हम अच्छा उपजाएं, अच्छा बनाएं और अच्छा खाएं और हम अपने शरीर को इतना पवित्र माने कि इसमें केवल वही चीज़ डालें जो शुद्ध है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम अपने शरीर को कुछ भी, कभी भी, कहीं का कुछ भी खाने के माहौल में न बनाएं। जनपद अध्यक्ष गंगेयो शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम संपन्न। जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष विकास तिवारी ने ली शपथ, वहीं उपाध्यक्ष व 25 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी रहे उपस्थित और सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम जारी है। इसी तारतम्य में आज गंगेयो जनपद में भी अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण की। आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास तिवारी सहित उपाध्यक्ष व सदस्यों ने एक साथ शपथ ग्रहण की। शपथ के बाद अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि 88 पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किया जाएगा। शासकीय योजनाओं का लाभ लोगों को मिले व उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो, इस पर काम किया जाएगा। जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हर पंचायत में शिविर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को पूरी ताकत के साथ वह सभी जनप्रतिनिधि मिलकर निराकरण करेंगे। एक एक बिंदु पर काम किया जाएगा। जनता और क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव काम किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। सबसे बड़ा नाम हाथी चोरी की हुई, कई बार पंचायतों में देखेंगे एक एक पंचायत में 15-16 सरपंच लगे हुए। हमको 100 वोट मिल गए, हम सरपंच हो गए, 800 वोट हुआ खिला हुआ हमारा लक्ष्य हो, हम सबसे सरपंच बने। हम सबको मिलकर के क्षेत्र के लोगों के कल्याण का, क्षेत्र के विकास का काम है। सरकार की नहीं जाने कितनी योजनाएं आती है और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, 20 साल से विधायक हूं, पंचायत देखता हूं, सरपंच देखता हूं, सब कुछ देखता हूं। हमारे पंचायतों के भीतर हमारे जनता को पता ही नहीं कि कौन कौन सी योजना हमारे तरफ आए, उसको नहीं मालूम। ग्राम सभा नियमित होने लगे, ग्राम सभा ईमानदारी से होने लगे, ग्राम सभा वास्तविकता में होने लगे तो सरकार द्वारा जनता के समाज में योजनाओं की जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। जनपद अध्यक्ष के रूप में हमें हमारे जनपद सदस्यों द्वारा चुना गया है। सर्वप्रथम मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। किनारे करिए कैमरा। जिस बहुमत से उन्होंने मुझे जनपद अध्यक्ष के रूप में बैठाया है,
और जो जनता की अपेक्षा है, जनता जनार्दन की अपेक्षा है कि गांव-गांव तक पहुंचकर हम सभी जनपद सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष पूरी टीम के साथ, पूरे कर्मचारियों के साथ, पूरे सरपंचों के साथ बैठकर पूरी 88 पंचायतों की समीक्षा करेंगे और एक सुनियोजित तरीके से एक विकास का खाका तैयार करेंगे, एक योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान तैयार करेंगे और 88 पंचायत के हर वार्ड तक जनपद पंचायत में आने वाली सरकार की हर योजनाओं का क्रियान्वयन कराने का पूरा प्रयास करेंगे और दबे कुचले दलित पिछड़े वर्ग तक जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, भटकते हुए जनपद आते हैं, कोशिश करेंगे कि वह हर पंचायतों में शिविर लगाकर उनकी समस्या का निराकरण वहीं हो और उन्हें जनपद पंचायत अपना नुकसान करके ना आना पड़े। ये दूसरा मोटो रहेगा हम सबका। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।